की राजधानी मॉस्को में 20 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट वार्ता हुई। इसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान तालिबान और भारत के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत हुई। इस बातचीत के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। इस समय तालिबान के सामने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक मदद प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, जो दूसरे देशों की मदद के बिना मुश्किल है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में तालिबान का विरोधी रहा है, लेकिन अब विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत अपनी नीति बदलता दिख रहा है। इसे लेकर हमने दो एक्सपर्ट से बात की। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता और अफगानिस्तान के मामलों के जानकार कबीर तनेजा कहते हैं, भारत ने तालिबान के साथ एंगेजमेंट देर से शुरू किया, लेकिन एक बात तो साफ है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की नई हकीकत है और भारत को उसके साथ एंगेजमेंट करना ही होगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार स्वाति राव कहती हैं, भारत तालिबान के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में उभरता हुआ स्टेक होल्डर है और उसे भरोसे में लिए बिना अफगानिस्तान में एंगेजमेंट नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स की बात आप कुछ ऐसे समझिए, गनी बरादर जैसा तालिबान का बड़ा नेता रातों रात गायब हो गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ हामिद गुल काबुल पहुंचे और सरकार हक्कानी नेटवर्क के हाथ में आ गए। इससे ये तो साफ हो गया कि तालिबान ISI के प्रभाव में है, इसलिए अभी तक किसी देश ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है। हालांकि जैसे अफगानिस्तान के लिए मान्यता जरूरी है, वैसे ही कई देशों के लिए अफगानिस्तान कई मायनों में जरूरी है। रूस और चीन के सुरक्षा हित अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। इधर भारत भी जानता है कि चीन और पाक के तनाव के बीच एक और पड़ोसी से बैर लेना अच्छा फैसला नहीं होगा। अब सवाल ये कि भारत का तालिबान को लेकर क्या एंगल है। स्वाति राव बताती हैं, भारत के कई प्रोजेक्ट्स मध्य एशिया में चल रहे हैं, जहां जाने का रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। इधर पाकिस्तान और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। भारत के लिए सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो। कूटनीतिक तौर पर भारत का तालिबान के साथ एंगेजमेंट जरूरी है। भारत की तालिबान के साथ ये दूसरी बातचीत थी। इसके पहले 31 अगस्त को दोहा में भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आपस में बातचीत की थी। साथ ही भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो तालिबान के साथ रहे या ना रहे, वहाँ के लोगों की मानवीय मदद करता रहेगा। जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।